मध्य प्रदेश सरकार ने 2020 के लिए खेल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। मेरे साथ इस समय हैं स्पोर्ट्स डायरेक्टर पवन जैन जी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार किन लोगों को खेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं और किस लिए दिए जा रहे हैं। ये 2020 के लिए हम लोग जो हमारे राज्य स्तरीय खेल सम्मान है जो हम लोग प्रतिवर्ष देते हैं, ये हम लोग 13 खिलाड़ियों जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं उनको हम एकलव्य पुरस्कार दे रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय एथलेटिक में नया कीर्तिमान करने वाले सुनील डावर भी शामिल हैं। इस बार हम लोग 10 खिलाड़ियों को जो हमारे प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं उनको हम विक्रम अवार्ड दे रहे हैं, जिसमें कि अभी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य विवेक सागर शामिल हैं। इसके अलावा हम 3 हमारे जो विश्वमित्र होते हैं जो हमारी टीम को कोचिंग देते हैं, 3 व्यक्तियों को हमें ऐसे वरिष्ठ कोच को हम लोग विश्वमित्र दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि 2020 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो प्रदेश के उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने पूरा जीवन खेलों को समर्पित किया हो, वो इस बार हम जो है पद्मश्री अभय छतलानी जी को हम लोग इस बार दे रहे हैं। उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है खेलों के लिए। उन्होंने टेबल टेनिस के खिलाड़ी के रूप में, टेबल टेनिस के एक राष्ट्रीय पदाधिकारी के रूप में इंदौर में उन्होंने तमाम सौगातें खेल को दी हैं, चाहे वो अभय प्रसाद हो, चाहे वो और खेलों से जुड़ा हुआ दूसरा, वो चाहे वो पत्रकार के रूप में रहे हों, समाज सेवी के रूप में रहे हों, लेकिन उनके अंदर का खिलाड़ी हमेशा जिंदा रहता है। और उन्होंने पिछले 50 साल से अधिक खेलों की सेवा की है, दीर्घकालीन सेवा की है। भारत सरकार ने उनको अपने बड़े सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया है और निश्चित रूप से लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो जूरी का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमारे द्रोणाचार्य अवार्डी राजेंद्र सिंह और महासिंह राव जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और 3 अर्जुन अवार्डी हमारी जूरी में थे, जिन्होंने ये तय किया है सर्वसम्मति से कि 2020 का खेलों के समग्र अवदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माननीय अभय छतलानी जी को प्रदान किया जाए। सर, अभय छतलानी जी पत्रकारिता के में भी हैं, आप भी साहित्य से बहुत लगाव है, आप कैसे देखेंगे अभय छतलानी जी को ये पुरस्कार मिला है एज अ साहित्यकार और खेल डायरेक्टर दोनों? देखिए, मैं उनके दोनों ही पहलुओं से बहुत परिचित हूँ, एक खेल प्रेमी, एक खेल प्रशासक और एक साहित्यकार और पत्रकार। कई बार जब मैं उज्जैन में आईजी था तो कई मंचों पर हम लोगों ने शिरकत की थी और वो साहित्य प्रेमी हैं। पत्रकार अपने आप में एक साहित्यकार होता है क्योंकि उसकी लिखी हुई बातें रोजाना हजारों लाखों लोगों तक पहुंचती हैं और एक इतने बड़े पत्रिका समूह का उन्होंने इतने दिनों तक संचालन किया। कभी तो मध्य प्रदेश में नवदुनिया जो है वो पूरे देश की हिंदी पत्रकारिता का पैमाना तय करता था, उसमें जितने बड़े संपादक रहे, चाहे राहुल बारपते जी हों, चाहे राजेंद्र माथुर जी हों या प्रभास जोशी हों, ये हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह थे। तो नवदुनिया ने, नई दुनिया ने, पूरी नवदुनिया परिवार ने भारतीय पत्रकारिता में हिंदी के श्रेष्ठतम हस्ताक्षर पैदा किए और उसके लिए अभय छतलानी जी ने, उनके परिवार ने और उनके समूह ने जो योगदान किया वो बहुत बड़ा है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ खेलों में भी बड़ी भूमिका निभाई है, ये उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का एक अलग पहलू है जिसको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। सर, इंदौर में अभय प्रसाद है जो ग्राउंड लेवल पे मदद करता है खिलाड़ियों को लाने के लिए, आने वाले समय में एज अ स्पोर्ट्स डायरेक्टर क्या संभावना आप इंदौर में देख रहे हैं? देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि इंदौर में प्रतिभाएं हैं, लेकिन अधिकांश प्रतिभाओं को वहां पर जो हमारी कहिए, एक तरह से कहिए हमारी पहुंच खेल विभाग की बहुत ज़्यादा नहीं है। इंदौर में चाहे वो टेनिस की हों, चाहे वो टेबल टेनिस की हों, चाहे वो अन्य खेलों की हों, वहाँ पर प्राइवेट संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं इसलिए कहूँगा कि इंदौर से बहुत सारे खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, जिस तरह हमने भोपाल में एक्सीलेंस एकेडमी कायम की है, तो मुझे लगता है कि इंदौर में भी खेलों के संसाधन को, साधनों को, अधोसंरचनाओं को और बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी वीसलपुर में हमें ज़मीन मिली है, वहाँ पे हम लोग हॉकी का टर्फ लगा रहे हैं और भी हमने मल्टीपर्पज़ हॉल और तमाम खेलों के लिए प्रस्ताव भेजे हैं जो शीघ्र मंजूर होंगे। तो इंदौर में यूनिवर्सिटी अहिल्या में काफ़ी बड़ा खेल का कैंपस है। इंदौर में अपने आप में खेल की जितनी संरचनाएं हैं उनमें व्यक्तियों का योगदान बहुत है। तो अभय छतलानी वहाँ पे टेबल टेनिस के लिए, अभय प्रसाद में कुश्तियाँ भी हुई हैं, अभय प्रसाद से लगे हुए मैदान में बास्केटबॉल भी हुए हैं, अभय प्रसाद में हमने लता मंगेशकर अवार्ड जो हमारा म्यूजिक का सम्मान है AR रहमान साहब को हमने वहाँ पे दिया था, अभय प्रसाद में बहुत सारी साहित्यिक गोष्ठियाँ होती हैं, तो वो एक कहिए मल्टीपर्पज हॉल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन निश्चित रूप से अभय छतलानी जी पत्रकार के रूप में, साहित्यकार के रूप में, खिलाड़ी के रूप में, खेल प्रशासक के रूप में इतने बहुआयामी व्यक्तित्व के साथ उन्होंने काम किया है
कि पद्मश्री का सम्मान निश्चित रूप से भारत सरकार का है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दे के सम्मानित कर रही है, जो उन्होंने अपना बहुमूल्य अवदान योगदान खेलों के लिए किया है। तो ये थे स्पोर्ट डायरेक्टर पवन जैन जी। मध्य प्रदेश सरकार ने जो खेल पुरस्कारों का ऐलान किया है इसमें इस बार विक्रम अवार्ड मिल रहा है होशंगाबाद से आने वाले भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है पद्मश्री अभय छजलानी जी को। भोपाल से वेब दुनिया के लिए विकास सिंह की रिपोर्ट। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।